बेस्ट बस के यात्रियों का जेब काटने वाले गैंग के 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दिवाली के मौके पर बेस्ट बस का चलो ऐप के पास लाकर पूरे मुंबई में बस से घूमते थे और लोगों की जेब काटते थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से बेस्ट बस का 4 चलो ऐप का पास और 2 कटर बरामद किया। पुलिस निरीक्षक विलास भोसले ने बताया कि यूनिट को जानकारी मिली थी कि बोरीवली पूर्व ओमकारेश्वर बस स्टॉप के पास एक गैंग के कुछ लोग जेब काटने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले से फील्डिंग लगाकर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी सुबह बस से निकलते थे और पूरी मुंबई में घूमते रहते थे और लोगों का पॉकेट चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार है। राजाराम रामदास पाटिल, इसके खिलाफ 13 केस दर्ज है। महादेव बसंत माने, इसके खिलाफ 9 केस दर्ज है। अब्दुल कादर शाह, इसके खिलाफ 3 केस दर्ज है। मोहम्मद रफीक वकील शेख, इसके खिलाफ 4 केस। संजय प्रभाकर त्रिबक, 11 केस दर्ज है। ये सभी आरोपी धारावी, मुम्ब्रा, सायन और ठाणे के रहने वाले हैं। और गैंग का खुलासा हुआ है, कैसी गिरफ्तारी हुई, कहां से हुई, सब किस्सा बताएं। यूनिट 12 क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर संतोष बने, उनको उनके खबरी के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि 5 लोग पिक पॉकेटिंग करने के लिए ओंकारेश्वर बस स्टॉप नेशनल पार्क के पास आ रहे थे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, हमने जो हमारी टीम बनाई, 2 टीम, और वहाँ पर जाके हमने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया, तो वहाँ खबरी ने अमली निर्देश करके बताया कि 5 लोग वहाँ पर जो खड़े है वो पिक पॉकेटिंग करने के लिए आए थे। तो तुरंत हमने उनको पकड़ लिया। हम उनको पकड़ने जाते समय उनको हमारा अंदेशा लगते वो भागने लगे थे, उनको हमने पीछा करके पकड़ा और जगह पे उनकी धरती ली, तो धरती में उनके पास कटर मिले, उनके पास मोबाइल मिले और उनके पास देश का पास मिला। उनको वहां पर आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चोरी करने के लिए आए थे। उनके पास अधिक पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ इसके पहले भी मुंबई के कई पुलिस थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। तो हमने उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर हमने उनको ताबे में लेके उनके ऊपर गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किया है। आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, 5ों का अलग अलग रोल क्या होता था? 5ों का अलग अलग रोल होता था। इसमें एक आदमी जो है वो उसको एक जो जिसके पास चोरी करना है उसको वो मतलब उसको वो खेल लेता था कि इसके पास कीमतें अवेलेबल हो सकता है, इसको आप शिकार कर सकते हैं सर। फिर उसको जाके उसके आगे खड़ा रहता था, कोई उसके लेफ्ट में, कोई उसके राइट में, कोई उसके जाके पीछे खड़ा रहता था और उसको हिलने का मौका नहीं था, उसके जेल में से बेमारे में से वो निकाल लेते थे पीछे।